कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद की है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल सीट से मैदान में उतरने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोई भी सामने आ जाए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। दिग्विजय ने कहा, यूपीए में शासनकाल में गरीबों के लिए योजनाएं बनी है जिसका लाभ गरीबों को मिला है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का पक्ष लिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी आ जाए लड़े चुनाव, मुझे ऐतराज़ नहीं है। निश्चित तौर पर गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कि जिनको आवश्यकता है, उन्हें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, सभी को रहती है, गरीब वर्गों को, उनको पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए ही ये योजना यूनिवर्सल बेसिक इनकम की लाई गई है और ये की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, विपक्ष कह रहा है कि गरीबों के ऊपर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, अब तक भी गरीबों को ही खोज रहे हैं। 50 साल तक आप लोग जो है गरीबों का मजाक उड़ाते रहे, तो 70 साल उनके पास ये कहने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर सोचा भी नहीं। हमने ये वादा किया है, करके दिखाएंगे। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए काम किया और गरीबी कम हुई है, गरीबी मिटी नहीं है लेकिन गरीबी कम हुई है। और ये मुख्य जो कारण रहा है यूपीए 1 यूपीए 2 में और उसके पूर्व में भी, जब जब सरकार कांग्रेस की बनती है कांग्रेस के लिए नीति और कार्यक्रम, गरीबों के लिए कांग्रेस नीति और कार्यक्रम बनाती है, उसका लाभ गरीब